हेलो दोस्तों, आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न, किस तरीके से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप लोग को आएगा एग्जाम में। तो अगर उस चीज़ को समझ लेते हो तो ईजिली आप लोग कर सकते हो किस तरीके से आता है। सबसे पहले आप लोग देखोगे यहाँ हिस्ट्री का दिया गया और इसमें 250 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया यहाँ पे है, ऑप्शन कितना रहता है, प्लस मार्क कितना रहता है, प्लस सब कुछ विदाउट मार्क वाला सब कुछ बता रहा हूँ। सिर्फ आप लोग ये लास्ट तक देख लिए तो 100% आप लोगों का पेपर पैटर्न क्लियर हो गया ना, तो 50% आप लोगों का पेपर समझ लो क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ समझ में आ जाता है किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले में ए और बी आता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहले में ए और बी आएगा। ए वाले में क्या रखना रहेगा, 3 ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से ऑप्शन ढूंढ के आप लोगों को री राइट सेंटेंस करना रहेगा MCQs। उसे 3 दिया रहेगा, तीनों आप लोगों को करना रहेगा और 3 नंबर के लिए रहता है आप लोगों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पहले का बी रहता है, उसे आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर, कौन सा रॉन्ग है उसको आइडेंटिफाई करना रहता है, उसको लिखना रहता है जो रॉन्ग है। अब वहाँ पे 3 दिया रहेगा, तीनों आप लोग को करना रहेगा और उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, ये भी 3 मार्क लिए रहता है। अब क्वेश्चन दूसरे का ए आता है, क्वेश्चन दूसरे का ए में आप लोग कंप्लीट द कंसेप्ट मैप करना रहता है, मतलब एक्टिविटी के माध्यम से दिया रहेगा उसको आप लोग को फुल फिल करना रहेगा, मतलब भरना रहेगा। इसको 3 दिया रहेगा, 2 आप लोग को करना रहेगा, 2 नंबर के लिए आप लोग को पेपर में पूछता है। उसे क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी रहता है, उसे शॉर्ट नोट आता है, इसे 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 शॉर्ट नोट उसे 2 अटैम्प्ट करना रहेगा, 2 नंबर के लिए रहता है। उसे क्वेश्चन जो तीसरा रहता है आप लोगों को स्टेटमेंट विथ रीजन के साथ में करना रहता है आप लोग को, इसे 4 दिया रहेगा, 4 में से 2 करना है और आप लोग को 4 नंबर मिलेगा, 2 मार्क के लिए रहता है। उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को करना है, 1 पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे रहेंगे, 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लिखना रहेगा, इस तरीके से आप लोग को 4 नंबर वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, उसे आप लोग को आंसर इन डिटेल में आप लोग को करना रहेगा, 4 दिया रहेगा, 2 कोई अटैम्प्ट करना रहेगा, मतलब 6 नंबर, 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आते हैं। सोचो अगर आप लोग यहाँ पे, मैं आप लोग को बताऊँ सबसे पहले तो यहाँ पे MCQs और यहाँ पे आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर, कंप्लीट द ए और यहाँ पे 4 नंबर, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो यहाँ पे हो जाता है आप लोग को 10 और यहाँ पे 4, 40 मार्क विदाउट आप लोगों को पढ़े आ सकता है। सिर्फ 1 घंटा बैठ जाओ, 40 मार्क आप लोगों को 28 में से 14 नंबर फिक्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे पॉलिटिकल साइंस का भी आप लोग का 28 नंबर में से 14 नंबर फिक्स हो गया। उसके बाद आप लोग का शॉर्ट नोट पढ़ लेना वो चीज़। अब यहाँ पे देखोगे पॉलिटिकल साइंस में भी 12 नंबर के लिए टोटल आता है पेपर आप लोग का। और उसमें क्या रहता है, क्वेश्चन जो 6 रहता है उसे आप लोगों को वही कंप्लीट करना रहेगा, 2 दिया रहेगा, 2 ही आप लोगों को करना रहता है, MCQ 2 ही रहता है। उसका क्वेश्चन 7वां जो रहता है उसमें ट्रू और फॉल्स रहता है, उसको विथ रीजन, वो भी एक प्रकार से समझ लो कि वो गिव रीजन से रहता है, मतलब सही है गलत है, क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही, वो चीज़ आप लोग को बताना रहता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे आप लोग को 4 नंबर के लिए ए रहता है, 2 करना रहता। अब उसे 3 दिया रहता। अब क्वेश्चन नंबर जो 8वां का ए आता है उसमें आप लोग को कंसेप्ट मैप रहता है, उसी तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन करना रहता है, मतलब किस टाइप्स, मतलब बारी बारी स्टेप वाइज, इससे आप लोग को 2 दिया रहेगा, 2 में से कोई भी 1 करना रहेगा। इसके बाद ये भी 2 नंबर के लिए। अब उसके क्वेश्चन जो 8वां रहता है, 8वें का भी, इसमें डू एज डायरेक्ट रहता है, इसमें से आप लोग को क्या करना रहेगा, 2 दिया रहेगा, 1 करना रहेगा, 2 नंबर के लिए। उसके क्वेश्चन नंबर जो 9वां जो रहता है वो ब्रीफ वाला रहता है, मतलब बड़ा क्वेश्चन रहता है, उसको भी आप लोग को 2 में से कोई 1 अटैम्प्ट करना रहता है, 2 नंबर। इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा जो पेपर पैटर्न था वो चीज़ मैं बता दिया। बस अगर इस चैनल पर नया है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना।